वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। दो दिन पहले एक्चुअली 12 बज गए, सो तीन दिन पहले संडे को, एक्चुअली चार दिन पहले संडे को मैं एक बहुत एक्साइटिंग जगह पे गया, और वो दिन इतना एक्साइटिंग, इतना अमेजिंग, एंटरटेनिंग और बोले तो झकास था एकदम। तो स्टार्ट किया मैंने, लाइक मैं जो फर्स्ट जगह पे गया था वो था, देख लो गाइस, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। और अभी हम लोग जाने वाले अगेन टाउन, अगेन 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 एंड अगेन। लेकिन बट यार एक जो मजा रहता है ना वो, इट्स क्वाइट, बारिश के चांसेस है लेकिन एक हो सकती है, नहीं भी हो सकती। सेंट्रल लाइब्रेरी, और यहाँ बहुत लोग फोटो निकालते हैं, आई मीन जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी होती है वो यहाँ होती है। सो मैंने भी बहुत सारे फोटोज़ लिया, सो वो सारे फोटोज़ मैं इंस्टा पे डालूंगा, सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर देन डू फॉलो। एंड वेल, दिस इज़ बहुत अच्छी प्लेस है। अगर आपको कोई भी अच्छा फोटोग्राफर या एक अच्छा फोटो वेन्यू चाहिए जहाँ आप प्रोफेशनल फोटोज निकाल सकते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। एलिफेंटा वाला ब्लॉग देखे हुए गए, सो ये जगह से जाने का है, ये जगह पे आप यू विल सिट ऑन द बोट, और फिर यहाँ से लेके यहाँ से कहाँ तक तो जाते हैं, सो वहाँ इट टुक 50 मिनट, एक घंटा लगेगा यहाँ से वहाँ तक जाने को। और जब एकदम बहुत बारिश होती है तो क्या होता है कि ये जो पानी है ये ऊपर तक आता है, और अगर क्या ये वेव्स ऊपर तक आते हैं। लेकिन इसका एक एडवांटेज है, अगर आपने नहीं ना के आए हो, सो यू जस्ट हैव टू ब्रिंग अ सोप एंड अ टॉवल। सो आज पानी थोड़ा लो है क्योंकि बारिश इतनी नहीं आई है, अदरवाइज ये जगह बहुत अच्छी है। आई होप कि मैं वापस आऊँगा यहाँ, एक बार आ चुका हूँ।
ड्राइव। और जैसे मैं आपको पहले बताया था कि ये जो है दिस इज़ कॉल्ड द आई थिंक सो दिस इज़ कॉल्ड द पूरा ये दिस इज़ कॉल्ड द क्वींस नेकलेस। अभी जब भी हाई टाइड रहती है सो व्हाट हैपेंस कि पानी ऊपर तक आता है और बहुत बार पानी आ चुका है सो व्हेन यू विल टेस्ट लाइक आपकी अपनी टंग बाहर करोगे एंड द वाटर विल टच योर टंग सो एकदम सॉल्टी सॉल्टी लगता है। हवा भी बहुत चल रही है सो दिस इज़ वेरी गुड प्लेस इन मानसून एंड इन विंटर्स। लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि दिस इज़ ये जो पूरी प्लेस है ये या पूरा पानी जब भी बड़ा वेव आता है तो पूरा पानी उड़ के आता है। और शायद आप लोग ने वो चीज़ सुने होंगे कि आया हाँ क्या वो चीज़ सुने हो गया कि आपने कि ये जो ये पूरा एरिया है या जो कचरा आ गया था और उसके बाद वो साफ़ किया गया बट दिस वॉज द प्लेस। देख लिया कितना एक्साइटिंग था वो। सो अगर आपको ये वीडियो कोई भी चीज के लिए अच्छा लगा लाइक सेंट्रल लाइब्रेरी अच्छी लगी हो या गेटवे ऑफ इंडिया अच्छा लगा या मरीन ड्राइव अच्छी लगी हो या वो वेव्स अच्छे लगे या कुछ भी अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करके जाना। बाय।